विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के समय पाकिस्तान में है। शहबाज शरीफ की सरकार के न्योते पर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान की सरकार जाकिर के स्वागत में बिछी हुई दिख रही है और शहबाज शरीफ समेत तमाम बड़े नेता उससे मिले हैं। वहीं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पत्रकारों और कई वर्गों ने जाकिर को बुलाने और स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार उमर चीमा ने इसे शरीफ सरकार की वहाबियों को खुश करने की एक कोशिश बताया। उमर चीमा ने अपने YouTube पर एक वीडियो में जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने पर उठ रहे सवालों पर कहा, जाकिर नाइक के स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान आने पर कई वर्ग एतराज जता रहा है, तो आखिर क्यों उनको बुलाया गया? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का वहाबी गुट चाहता था कि जाकिर नाइक आएं। ऐसे में शिया और बरेलवियों की नाराजगी के बावजूद उनको बुलाया गया। चीमा ने आगे कहा, जाकिर नाइक इस्लाम की वहाबी विचारधारा को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस से ये साफ है कि वो वहाबी हैं। ऐसे में शिया और बरेलवियों का तबका नहीं चाहता था कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए और उनकी सोच के उलट का एक आदमी यहाँ अपनी तकरीर दे। चीमा ने आगे कहा कि जाकिर नाइक को बुलाने के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TLP को काउंटर करने की कोशिश भी हो सकती है। सरकार ये चाहती हो कि TLP की काट की तरह से जाकिर नाइक को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि एक पहलू ये भी है कि जाकिर नाइक भारत में बैन है, तो उनको बुलाकर एक तबके को खुश किया जाए। वहीं हाल ही में जाकिर नाइक को इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। यहाँ कुछ अनाथ छात्राओं को अवार्ड देने के लिए उनसे कहा गया तो जाकिर नाइक ने स्टेज छोड़ दिया। जाकिर ने कहा कि लड़कियों को इस तरह से बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए और वो अपने हाथ से उनको अवार्ड नहीं देंगे। जाकिर की इस हरकत से पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कमर चीमा ने जाकिर की इस हरकत को शर्मिंदगी वाला बताया। कमर चीमा ने अपने YouTube पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान की सरकार से जानना चाहता हूं कि जाकिर नाइक को किस हैसियत से बुलाया गया है, पाकिस्तान के नेता उनसे क्यों मिल रहे हैं, फिर जाकिर को बच्चों के बीच में क्यों ले जाया गया, जाकिर कोई साइंटिस्ट हैं जो वो छात्रों के बीच जाकर बोलेंगे, या उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई महारत जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।